बांस घाट जाने की बात तो उनके लिए तो बांस घाट किसी को भेजना आम बात है। संबंध मधुर था, राजो बाबू के हत्याकांड में ये साजिश करता थे, उस वक्त ये सारा केस मुकदमा वापस करवा लिए, हम भी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, हम भी चाहते थे कि ये अच्छे से रहे, शांतिपूर्वक सब कुछ हो। और जब केस जब ये हुआ, सारा कुछ अपना नाम वापस कर लिए, उसके बाद इनका रंग बदलना शुरू हो गया। हमारे स्वर्गीय राजो बाबू भी साजिश के तहत वो बांस घाट चले गए, हमारे पिता भी चले गए, अब हो सकता है हमारी तैयारी में लोग लगे हों। बिहार की राजनीति में राजू सिंह हत्याकांड की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। 9 सितंबर 2005 की शाम हथियारबंद बदमाशों ने राजू सिंह की हत्या कर दी थी और इस घटना के तुरंत बाद सदर थाना शेखपुरा में दर्ज प्राथमिकी में बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री और तब के विधायक अशोक चौधरी का नाम भी दिया गया था और कहा गया कि अशोक चौधरी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजू सिंह की हत्या करा दी है। अब राजू सिंह के पौत्र और जेडीयू के बड़बीघा से विधायक सुदर्शन कुमार को अशोक चौधरी से जान का खतरा सताने लगा है। पिछले एक साल से अशोक चौधरी सुदर्शन कुमार को परेशान कर रहे हैं। पहले अशोक चौधरी सुदर्शन कुमार के साथ मिलकर अपना नाम वापस करा लिया और फिर अब उनके खिलाफ साजिश भी करने लगे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सुदर्शन कुमार ने यह बड़ा आरोप अशोक चौधरी पर लगाया है। सुदर्शन कुमार क्या कुछ कहने, इस पूरे मामले को लेकर पहले उनके बयानों को आप सुनिए। वो मंत्री हैं बिहार सरकार के, भवन मंत्री, वो आगे क्षेत्र में इस तरह का वो बयानबाजी करते हैं, ये सही बात नहीं है। बांस घाट जाने की बात तो उनके लिए तो बांस घाट किसी को भेजना आम बात है, हमारे स्वर्गीय राजो बाबू भी साजिश के तहत तो बांस घाट चले गए, हमारे पिता भी चले गए, अब हो सकता है हमारी तैयारी में लोग लगे हों। संबंध मधुर था, राजो बाबू के हत्याकांड में ये साजिश करता थे, ठीक है, उस वक्त ये सारा केस मुकदमा वापस करवा लिए। हम भी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, हम भी चाहते थे कि ये अच्छे से रहे, शांतिपूर्वक सब कुछ हो ही रहा था। और जब केस जब ये हुआ, सारा कुछ अपना नाम वापस कर लिए, उसके बाद इनका रंग बदलना शुरू हो गया, हमारे प्रति इनका हरकत भी बिल्कुल अल्टर हो गया, विपरीत हो गया, जो कि आप देख ही रहे किस तरह ये लगातार बाबा हमको परेशान करने की कोशिश किए जा रहे हैं। उनके पीछे भी उनका ही हाथ था, हाथ था नहीं था, साजिश करता थे वो, ये सब लोग ये जानते हैं, ये कौन है इनके साजिश करता। यहीं से मैं बांस घाट जाऊंगा, बड़ीबा को नहीं छोड़ूंगा। कर्म भूमि वो रही है, जन्म भूमि रही है स्वर्गीय कृष्ण बाबू की, स्वर्गीय लाला बाबू की, स्वर्गीय राजो बाबू की, ना कि उनकी जन्मभूमि रही है वो। 1972 से राजो बाबू वहाँ पे विधायक हुआ करते थे, उनके पिता 1980 से विधायक हुआ करते थे, समझने वाली बात है कर्मभूमि किनकी रही है वो। अगला कदम क्या होगा, हम लोग जहाँ बने हैं हमारा कर्मभूमि वो कहते हैं दादा का वही है, हमारा जन्मभूमि वही, तो हम लोग तो वहीं रहेंगे, हम लोग कहाँ नवादा जाएंगे, हम लोग कहाँ जमुई जाएंगे। अब वो कहते हैं सुदर्शन के अंदर बचपना है, अरे बचपना मेरे अंदर कैसे है, अगर हम पार्टी क्या कहते हैं पार्टी से विधायक हैं और मंच पे से अगर मंत्री का हम कहते बुराई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कभी आपके सामने आने का काम किया, आज बेबस होकर आपके सामने हम आए हैं। बचपना हमारे अंदर है कि उनके अंदर, उनको जाके देखना चाहिए ना। हमने तो कभी मंच पे से कहते उनकी बुराई नहीं की, हमने तो कभी मंच पे से ये नहीं कहा कि हमारे भवन मंत्री कहते हैं सही काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं। तो आपने सुना जेडीयू के बड़बीघा से विधायक सुदर्शन कुमार को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरीके से मेरे दादाजी और पिताजी को शमशान घाट पहुंचा दिया गया, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अशोक चौधरी ने पहले मेरे साथ मिलकर किसी प्रकार से केस से नाम वापस करा लिया और मैं भी नहीं चाहता था कि लड़ाई आगे बढ़े, इसलिए हमने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन जैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, केस से नाम हट गया, ठीक उसके बाद से लगातार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे क्षेत्र में जाकर मेरे खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है और पिछले कुछ महीने से इनका बड़बीघा दौरा भी तेज हो गया है, जिसको लेकर हमने आलाकमान से भी शिकायत की, जिसके बावजूद भी ये कल बड़बीघा पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक शमशान घाट न पहुंच जाऊं, तब तक मैं इस क्षेत्र का सेवा करता रहूंगा। और इस पूरे मामले में राजो सिंह हत्याकांड का भी जिक्र सुदर्शन कुमार ने किया। सुदर्शन कुमार राजो सिंह के पौत्र हुए और उन्होंने ही अशोक चौधरी का नाम जो है वो केस से वापस लिया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अशोक चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी को शमशान घाट पहुंचा दिया गया, ठीक वैसे ही मेरे खिलाफ भी साजिश पिछले एक साल से हो रही है। अशोक चौधरी मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरे सीट पर वो ताल ठोकते हैं और ये कहते हैं कि सुदर्शन को हमने ही टिकट दिया, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर जेडीयू में हो। ऐसे में सुदर्शन बच्चा है
उसे नहीं आता है, वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है, जिसको लेकर सुदर्शन कुमार ने नीतीश कुमार हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस बात की शिकायत की। हालांकि ललन सिंह ने अशोक चौधरी की फटकार भी लगाई थी, बावजूद भी सुदर्शन के क्षेत्र में जाकर वो सभा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सीधे तौर पर ललन सिंह को चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जेडीयू विधायक ने बड़ा आरोप अशोक चौधरी पर लगाया और कहा कि जिस प्रकार से मेरे दादाजी को शमशान भेजा गया, मेरे पिताजी को शमशान भेजा गया, अब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो अशोक चौधरी सवालों के घेरे में हैं, चूँकि ये वही अशोक चौधरी हैं जिन पर राजू सिंह हत्याकांड मामले में साजिशकर्ता के तौर पर देखा गया, बताया जा रहा है। ये बात खुद सुदर्शन कुमार भी कह रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं कि ये मुख्य साजिशकर्ता थे, बावजूद भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े, इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गया। और जैसे ही उनका नाम केस से हटा, वो लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने एक बार फिर से पार्टी आलाकमान से किया। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, क्या अशोक चौधरी को एक बार फिर से फटकार लगाया जाता है या फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। आप ही क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।